अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फहद हाशमी फोटू से। आज की हमारी वीडियो होने जा रही है वायरलेस माइक्रोफोन के हवाले से। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कैमरे से कंटेंट बना रहे हैं या सेलफोन से बना रहे हैं, ऑडियो के रिकॉर्ड करने में उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि तार वाले जो वायर्स वाले जो वायर वाले जो माइक्रोफोन्स हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कभी तार कट जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आता है। तो वायरलेस माइक्रोफोन के अंदर जो आज हमारी प्रोडक्ट है वो बोया कंपनी का WM3D ये मॉडल है। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, अगर आप इस डिवाइस को समझना चाहते हैं, सारे फीचर्स को जानना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो जो है वो कितना यूजेबल आपके लिए है। तो चलते हैं, इसको सादे तरीके से वीडियो को बनाते हैं ताकि तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं। तो इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसको डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके इसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इसकी वॉइस क्वालिटी है। तो चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो दोस्तों चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, ये है बोया कंपनी का BYWM3D इसका मॉडल है। यहाँ से स्टिकर आप रिमूव करेंगे तो आपको वेबसाइट पे जाकर चेक करना है अगर ये ओरिजिनल है या नहीं है। उसकी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बोया के माइक्रोफोन्स ओरिजिनल और फेक चेक किए जाते हैं। कंपैटिबल है ये आईफोन, आईपैड और आईपॉड के साथ। इसी तरह कंप्यूटर है, GoPro भी इस पर बना हुआ है, GoPro के साथ भी ये अडॉप्टर लगा कर आप चला सकते हैं। कैमरा है, सेलफोन्स हैं और आईपैड है। इसी के साथ ये देख लेते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन है, बिल्ट इन माइक्रोफोन्स हैं, USB-C टाइप से ये पावर सप्लाई इसकी चार्ज होती है। उसी के साथ स्टोरेज, इसका चार्जिंग केस है जिसके अंदर बिल्ट इन बैटरी भी है, 1000 mAh की उसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसी तरह इसका ट्रांसमीटर 4.5 घंटे चलता है और रिसीवर इसका 8 घंटे की टाइमिंग है। और ये है इसके मॉड्यूल्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चार्जिंग केस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन जो केबल्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे जो है 3.5 TRS, ये जो जैक नज़र आ रहा है ये है आपके कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल के लिए है, जिसको TRS कहते हैं। जो सेंटर में है ये TRRS है, जिसपे 3 पॉइंट्स आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं, ये TRRS कहलाता है, जो सेलफोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइटनिंग अडाप्टर जो है ये होता है, एक मिनट ये दिखा दूँ आपको मैं, ये इस सेलफोन्स के लिए होता है, आईफोन के लिए इस्तेमाल इसको आप कर सकते हैं। और बाकी इसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है। चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं जी कंपनी ने इसके अंदर हमें क्या चीज़ें साथ में दी हैं। और इसकी ये सील्ड पैक है, कंपनी पैक्ड है ये सील, इसकी सील्ड अभी ओपन करते हैं हम और चेक करते हैं जी क्या क्या चीज़ें इसमें साथ में हैं। करते हैं, ये हो गई इसकी, ये और ये इसकी सारी कैटलॉग्स ही समझ लें आप, तमाम चीज़ों में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस हैं। लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, एक इसकी चार्जिंग केबल है और एक अदद इसकी विंडशील्ड भी साथ में है, ये इसकी विंडशील्ड साथ में है जिसको बिल्ली के पर कहते हैं। इसकी चार्जिंग केबल है USB-C टाइप। तो बाकी आगे चलते हैं जी, और क्या है ये करते हैं ओपन। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत पैकिंग के अंदर है। ये इसकी चार्जिंग लाइट्स हैं, यहाँ से पता चलेगा चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। एक कुछ इम्बोजिंग्स हुई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लास्टिक बॉक्स है। ये USB-C टाइप पावर्ड है इसको चार्ज करने के लिए। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ खसूसियत ये नहीं है कि ये जस्ट बॉक्स है, ये बाकायदा पूरा एक चार्जिंग बॉक्स है जिसमें 1000 mAh की बैटरी इंक्लूडेड है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर आउटडोर, और आउटडोर पे वहाँ पर आपके पास पावर सोर्स नहीं है, तो इसकी चार्जिंग से भी आपका जो माइक्रोफोन्स है इसके अंदर दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों चार्ज कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसका फर्स्ट लुक लेते हैं। तो ये है जी इसका ट्रांसमीटर, ये रिसीवर, ये ट्रांसमीटर, ये इसका विंडशील्ड और ये तीनों इसके माइक अडाप्टर्स। और ये पेयरिंग का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो वन बाय वन हम इसको निकाल के देखते हैं। ये है बहुत ही हल्का फुल्का सा, लाइट वेट, और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फिंगर में तकरीबन 2 इंच के करीब है। ये इसका ट्रांसमीटर है, ये इसका प्लस एंड माइनस का बटन है, ये पावर्ड बटन है यहाँ पे, और ये है इसका क्लिप, ये इसका क्लिप है प्लग इन करने, और ये इसके छोटा सा प्लास्टिक है जिसको हम रिमूव करेंगे। ये है इसके पॉइंट्स, ओके, और इसमें दूसरा निकालते हैं, ये है इसका रिसीवर जिस पे RX लिखा है, ये रिसीवर है। TX मतलब ट्रांसमीटर जो कि बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, रिसीवर मींस वो जो कि डिवाइस जहाँ पे इनपुट लेनी है वहाँ पे रिसीव होता है।
अब यहाँ पर इसकी पोर्ट दिखाई गई कि आपने जिस डिवाइस में इसको रिकॉर्ड करना है, इसको भी हम हटा लेते हैं यहाँ से ताकि इसका काम हो जाए ख़त्म और इसको हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ये अब इसकी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम लेते हैं आईफोन के लिए, हमें आईफोन पे रिकॉर्डिंग करनी है और लाइटनिंग हमारे पास ये जैक है आईफोन का, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ इस तरह से। ये इसके चार पॉइंट्स और ये इसके चार पॉइंट्स, इसको हम स्लाइडिंग करेंगे स्लाइड डाउन, और ये जब स्लाइड डाउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप इसको सेलफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि ना इसमें कोई तार है और ना ही इसमें कुछ जो है दूसरे इक्विपमेंट हैं, जस्ट प्लग एंड प्ले है। अभी पता नहीं ये चार्ज है या नहीं है। ओके, ये लाइट नज़र आ गई आपको, तो दूसरी लाइट भी हम इसका इसका TX भी जो है वो ऑन करके देख लेते हैं। देखिए जी, ये दोनों लाइटें जब पेयर्ड हो जाएंगी, ये पेयर्ड हो गई, ठीक है, दोनों लाइटें ब्लिंक कर रही थी, दोनों स्टेबल हो गई, तो अब ये दोनों की दोनों यानी कि पेयर्ड हो चुके हैं। और अब इसके अंदर कोई कारीगरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको अपने बॉडी पैक के साथ लगाना है ट्रांसमीटर को, और सेलफोन से आपने शूट करना है और आपका काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अभी दूसरी, अगर आपने चेंज करना है कि भाई अब मुझे आईफोन से नहीं कनेक्ट करना, अब मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है 3.5 mm जैक का, तो फिर आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। तीन पॉइंट जिस पे ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं ये आपको, ये TRRS कहलाता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने सेलफोन के अलावा मुझे कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करनी है या लैपटॉप में, तो ये टू पॉइंट्स वाला जो है ये वाला आप जैक लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर बॉक्स में ये चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ चार चार पॉइंट्स हैं और इसमें भी आपको इसी तरह नज़र आएंगे। तो करना कुछ इस तरह से है कि TX के आगे TX लिखा हुआ है, ये TX लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है TX, तो ये चार पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पर इसको आप लगा देंगे। और इसी तरह जो इसका रिसीवर है, इसके फोर पॉइंट्स यहाँ पर हैं और फोर पॉइंट्स यहाँ पर हैं, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये इसका विंडशील्ड भी है साथ में, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको लगा दें ऐसे, अच्छा अभी मैं आपको इसका चार्जिंग भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चार्ज करता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। है जैसे कि ये पावर बैंक लेकर आ गया हूँ मैं, ये मेरे सेलफोन का पावर बैंक है, तो अभी तजर्बाती बुनियाद पे देख लेते हैं इसको कि इसकी क्या रिपोर्ट है। तो ओहो, ज़बरदस्त, ये चार्जिंग शुरू हो गई है, ठीक है जी। यानी कि ये पावर बैंक है और आप आउटडोर शूट पे निकले हुए हैं तो भी बहुत आसानी के साथ काम हो सकता है। वैसे इस बॉक्स के अंदर 1000 mAh की बैटरी बिल्टन है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, तो ये आपका जी ज़बरदस्त काम हो गया यहाँ। अच्छा, दूसरी मज़े की चीज़ और ही बताता चलूँ कि अगर आपने इसको इंस्टेंटली यूज़ करना है ना, जस्ट ये आपने रिमूव करना है और ऑन है, ये पेयर्ड हो गए, ऑटोमेटिकली पेयर्ड हो जाएंगे ये, यहाँ पे पेयर का बटन भी दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत वक्त बचाएगा, आपके जो काम का जो प्रोसेस है उसको बहुत आसान कर देता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अब हम चलते हैं इसके वॉइस रिजल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, मैंने इस वक्त अपने कैमरा के साथ इसका जो रिसीवर लगा दिया है, ट्रांसमीटर मेरे पास ये लगा हुआ है बॉडी पैक के ऊपर। इसका जो ट्रांसमीटर है 2 घंटे अगर आप चार्ज करते हैं तो 4.5 घंटे की टाइमिंग देगा, और जो रिसीवर कैमरा के साथ लगा हुआ है वो अगर आप 2 घंटे टोटल इसका चार्जिंग टाइम है और 8 घंटे का उसका बैटरी लाइफ टाइम है। इसी तरह इसकी जो डिस्टेंस रेंज है वो खुले एरिया के अंदर है 20 मीटर्स, और यानी कि 60 फिट हो गया, 60 फिट के करीब है, और 20 मीटर्स है। तो मैं इसको देखता हूँ अभी किसकी आवाज़ कैसी आ रही है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा दूर 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 दूर, तकरीबन 30 फिट के लगभग तो फासला हो ही जाता है ये, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, ये तो आप वीडियो में देखेंगे, तो इसका जेन्युइन रिव्यू है। लेकिन याद रखें, जब कैमरे से शूट कर रहे हों सिर्फ वायरलेस माइक्रोफोन पे इनसार नहीं करना, इसके जो प्रोफेशनल कैमराज हैं उन कैमराज के अंदर ऑडियो लेवल्स होते हैं, उसके गेन्स को आप सेट करेंगे तो आपकी ऑडियो की क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो ये हो गया कैमरे के साथ रिव्यू, अब चलेंगे सेलफोन के साथ लगाएंगे, सेलफोन में देखेंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और क्या ये काम का माइक्रोफोन है भी या नहीं, ठीक है। यहाँ इसके लिए तो दोस्तों, मैंने अभी अपने सेलफोन के साथ अटैच कर लिया है ये माइक्रोफोन बोया का, ठीक है, और अभी हम चलते हैं देखते हैं जी इसके क्या रिजल्ट्स हैं। ओके,
तो जी ये है अभी मेरे आईफोन 7 के साथ बोया का WM3D कनेक्ट है, और ये अभी जो आपको वॉइस हो रही है आ रही है, इसके अंदर मैं कोई एडिटिंग नहीं कर सकता अपने सेलफोन से। जो इसकी बिल्ट इन आवाज़ है वही आपको मिलने वाली है। तो इसका डिस्टेंस भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसका कितना डिस्टेंस है, क्योंकि कभी आप रोड शो कर रहे होते हैं, कभी आपको किसी जलसे जुलूस में भी इस्तेमाल करनी पड़ जाता है ये माइक्रोफोन्स, तो इसको आपको आइडिया हो जाएगा यार ये इतने दूर से शूट कर रहा है। तो अगर मैं सामने स्पीकिंग करने वाले बंदे के साथ अगर मैं उसके सामने उसकी कॉलर पर लगा देता हूँ तो उसकी ज़बरदस्त वॉइस आएगी। और सेलफोन का ज़माना है, सेलफोन के साथ ही जो है ना जर्नलिज्म अभी इस वक्त ज़्यादा चल रही है, रन एंड गन ये मशीन बन गई है। और यही वही 20 मीटर का इसका फासला है तय, जो 20 मीटर का इसका डिस्टेंस है वही इसके साथ चलेगा। और साथ साथ ये हमारा मोबाइल फ़ोन वाला भी क्लिप कंप्लीट हो गया, इससे प्रीवियस के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कैमरे के साथ। कंप्यूटर के साथ मैं नहीं लगा रहा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैमरा कैमकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन ही इस वक्त कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये वीडियो का क्लिप भी हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। और अगर इसकी ऑडियो को आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, शूट करूँगा और डायरेक्ट इसको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी बोया की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम का हल इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बोया की एक पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास बनी हुई है हमारे चैनल पे, उसमें जाकर आप मुख्तलिफ बोया के माइक्रोफोन्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए प्रोडक्ट के साथ, जब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।